होली के मौके पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का गोंडा पुलिस ने भंडाफोड़ दिया है। जी हाँ, जहां पुलिस और एसओजी की टीम ने तस्करों के पास से लगभग 5 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। मामला गोंडा नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां त्यौहार के मौके पर मादक पदार्थों की बढ़ती हुई बिक्री को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने सभी प्रभारी निरीक्षक को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चला कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो गोंडा से आपको हम खबर बता रहे हैं, जहां होली के त्योहार के मौके पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का गोंडा पुलिस ने भंडाफोड़ा है। ये दौरान कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा त्यौहार को संपन्न कराया गया। संदिग्ध व्यक्तियों और अपराधियों पर भी नजर रखी जा रही थी। इसी के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर उनके हमराइयान और उनके द्वारा 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। शकील अहमद है, मोहम्मद खालिद और बाबा है, राजेश यादव है, मनदीप यादव है, गोंडा जिले के ही रहने वाले हैं। उनके कब्जे से 5 क्विंटल 51 250 ग्राम गांजा बरामद।